नमस्कार, मैं हूं कविता राणा। 18 से 20 जनवरी के बीच गुजरात में हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की परेशानी बढ़ सकती है। न सिर्फ अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस बल्कि फ्लिपकार्ट और पेटीएम के मालिकों की परेशानी भी बढ़ सकती है। मुकेश अंबानी ने जो ऐलान किया है उसका फायदा भारतीय ग्राहकों को होगा और भारत में चल रही दूसरी ई कॉमर्स साइट की मुश्किलें बढ़ सकती है। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2019 को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने इस बात का ऐलान किया है कि रिलायंस इंडस्ट्री जल्द ही जियो के साथ ई कॉमर्स सेक्टर में एंट्री करेगी। अ सेकंड मेगा मिशन फॉर इंडिया व्हिच वी विल फर्स्ट रोल आउट इन गुजरात इज जियो एंड रिलायंस रिटेल विल लॉन्च अ यूनिक न्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू एम्पावर एंड एनरिच our 12 lakh small retailers and shopkeepers in Gujarat, which are part of over 3 crore community in India. मुकेश अंबानी के इस ऐलान के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे अमेज़न और फ्लिपकार्ट के बिजनेस पर असर पड़ेगा। रिलायंस के ई कॉमर्स सेक्टर में आने से मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसका फायदा कस्टमर्स को मिलेगा। आपको बता दें कि रिलायंस जियो के लॉन्च होने से भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक प्राइस वॉर छिड़ गई थी जिसका फायदा ग्राहकों को मिला। तो अंबानी ने कहा कि ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए जियो मनी की मदद ली जाएगी, यानी कि ज्यादातर लेन देन जियो मनी के जरिए से होगा और जिससे इसका लेन देन बढ़ेगा जो पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक जैसे वॉलेट पर असर पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।